एक अदालती फरमान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भगवान को ही कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी मद्रास हाईकोर्ट को हुई, उन्होंने निचली अदालत की खिंचाई करते हुए इस फरमान को खारिज कर दिया। दरअसल यह मामला तमिलनाडु के तिरूर जिले के शिबरीपलयम में परम शिवन स्वामी मंदिर से जुड़ी हुई है। उस मंदिर में स्थापित मूलवर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई और मंदिर के अधिकारियों को वह मूर्ति न्यायालय के आदेश पर सुपुर्द कर दी गई। आम लोगों के द्वारा अनुष्ठानों और अगम नियमों का पालन कर उसे पुनः स्थापित किया गया था। बाद में कुंभाभिषेक भी किया गया। इसके बाद जिले के कुंभकोणम अदालत ने मूर्ति की सत्यता का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए मूर्ति को कोर्ट में लाने का आदेश जारी कर दिया। अदालती आदेश के अनुपालन में अधिकारियों द्वारा मूर्ति को मंदिर से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका आम लोगों ने जमकर विरोध किया और निचली अदालत के इस आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने निचली अदालत की खिंचाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि भगवान को न्यायालय द्वारा केवल निरीक्षण या सत्यापन उद्देश्यों के लिए पेश करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, जैसा कि यह एक आपराधिक मामले में एक भौतिक वस्तु हो। न्यायिक अधिकारी मूर्ति की दिव्यता को प्रभावित किए बिना या बड़ी संख्या में भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसका निरीक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता या आयुक्त को नियुक्त कर सकते थे। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि मूर्ति को हटाने और संबंधित अदालत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि भक्तों की मान्यता के अनुसार यह भगवान है और भगवान को अदालत नहीं बुलाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, दिल्ली।